वर्षीय छात्रा की मौत या हत्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने पर ही पुलिस हत्या या आत्महत्या की करेगी पुष्टि। पुलिस उपायुक्त राहुल राज मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटे, लेकिन घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को मृतक के पास न कोई लोटा न मिले चप्पल। यह शक बनता है कि हत्या है या आकस्मिक मौत, राज अभी बना हुआ है। पुलिस की माने तो पुलिस कह रही है पोस्टमार्टम के बाद ही यह स्पष्ट होगा। सर, आज नगराम थाना क्षेत्र में एक छात्रा का शव मिला है, क्या कुछ घटना रही है, मौके पर क्या चीजें देखी गई हैं? थाना नगराम के असली गढ़ी गांव में एक 20 साल की लड़की का डेड बॉडी मिला है। उसके पिता के द्वारा बताया गया कि ये बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी जो मोहनलालगंज स्कूल में पढ़ती थी और इसके शौच के लिए निकली थी सुबह, लेकिन इसके डेड बॉडी पर जो है कोई चोट नहीं दिख रहा है जाहिरात। तो इसके लिए हमने फील्ड यूनिट को भी बुलाया है, फील्ड यूनिट हर चीज़ को जांच करेगी और इसका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम से इसकी मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा कि किस तरह से इसकी मृत्यु हुई है और हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो भी इनके परिजन तहरीर देंगे उस पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। सर, छात्रा के शरीर पर क्या किसी तरीके चोट के निशान हैं? नहीं, वही मैंने बताया कि चोट का जाहिरा कोई निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन 20 साल की लड़की है, डेथ हुई है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई हम क्राइम की जो है आशंका हम महसूस कर रहे हैं। उसके लिए हम पोस्टमार्टम जो है कराएंगे, पोस्टमार्टम से जो क्लियर होगा उस हिसाब से कार्रवाई की।